नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आरके मौर्या कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ जर्नल एंड स्पेशल फंड। आप पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी संस्थाएं, ऐसे इंस्टीट्यूट जिनका मेन पर्पस, मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है बल्कि सर्विस देना होता है, उन्हें कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने इसके पहले आपको 3 नंबर क्वेश्चन तक बताया है। 4th नंबर क्वेश्चन में हम आपको बता रहे हैं जर्नल एंड स्पेशल फंड। स्पेशल फंड का मतलब क्या होता है? किसी मेन पर्पस के लिए, मेन उद्देश्य के लिए फंड जो बनाया जाए, पैसा जो इकट्ठा किया जाए, उसे कहते हैं जर्नल एंड स्पेशल पर्पस का फंड कहते हैं। बुक में जो बोला गया है उसको अच्छे से पढ़ के मैं आपको समझा देता हूँ। कहता है इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देयर नो कैपिटल अकाउंट। एक कब बनाया जाता है? जब कोई कैपिटल अकाउंट नहीं होता है। द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटी इज नो बाई नेम। मतलब ए डिफरेंस होता है किसके, बिटवीन एसेट्स और लाइबिलिटी के डिफरेंस होता है जिसका नाम है कैपिटल फंड। द डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से अलग होता है। इज ट्रांसफर टू दिस फंड एवरी ईयर। दिस कैपिटल फंड इज आल्सो नोन जर्नल फंड। कैपिटल फंड को हम लोग जर्नल फंड के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ाते हैं तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ये फंड होता क्या है। फंड का मतलब होता है किसी मेन एम के लिए पैसा इकट्ठा करना, फंड कहलाता है। आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है सो हाउ विल यू डील विथ द फॉलोइंग आइटम विल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ क्लब। क्लब की बैलेंस शीट आपको बनानी है। क्या बनाना है? बैलेंस शीट। उसके बाद कहता है स्पोर्ट फंड 1 अप्रैल को दिया गया है। जो 1 अप्रैल को दिया रहता है वो आपका ओपनिंग, ठीक है, यानी कि क्या है, कैपिटल होता है। उसके बाद 10% इन्वेस्टमेंट किया गया है 1 अप्रैल को। इंटरेस्ट रिसीव्ड स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट डोनेशन फॉर स्पेशल फंड स्पोर्ट प्राइजेज अवार्ड्स एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट इवेंट। आपको याद रखना है बैलेंस शीट बनाएंगे, कब बनाएंगे, इसमें कैपिटल नहीं दिया होता है। जो एसेट्स और लायबिलिटी से अलग होता है मैंने आपको ये भी बताया शुरू में, ठीक है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है बैलेंस शीट फॉर द, यहाँ लिखा जाता है एज ऑन या एज एट 31st March। जो भी ईयर आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, पेपर के क्वेश्चन में, आपकी बुक मान लीजिए दूसरी हो तो उसमें भी आपको यही ध्यान देना पड़ता है। आपको कॉलम बना के बताते हैं कैसे कैसे सॉल्व होता है आपको, लेकिन कुछ पता होना चाहिए लायबिलिटी क्या होती है, एसेट्स क्या होती है। ये आपका रुपए वाला कॉलम, ये आपका एसेट्स वाला कॉलम, ये आपका रुपए वाला कॉलम, ये आपका लायबिलिटीज वाला कॉलम, ये आपका कॉलम है। अब देखते चलिए, सबसे पहले दिया है स्पोर्ट फंड, इसमें कैपिटल नहीं दिया है बैलेंस शीट में। इस मेन पर्पस के लिए, मेन पर्पस का मतलब क्या है, इसका मेन एम क्या है, पता करना। क्या पता करना है इसमें? बैलेंस शीट के माध्यम से पता करना है स्पोर्ट से संबंधित। कह रहा है स्पोर्ट फंड, स्पोर्ट फंड मतलब होता है, मैंने आपको इसके पहले जो क्वेश्चन बताया मैंने कहा जब इकट्ठा पैसा मिलेगा, स्पोर्ट के फंड के लिए पैसा मिल रहा है कि सब सामान खरीद के लाना है इससे, तो स्पोर्ट क्लब है, स्पोर्ट फंड आपकी लायबिलिटी होगी।
जब किसी सामान को, जैसे हमने आपको 10,000 रुपया दिया, जाइए कोई सामान खरीद के लाइए, तो वो क्या है, कोई सामान मान लीजिए फ्रिज खरीद के लाइए, आप अपने घर में नहीं है, मैंने दिया, तो आपकी इनकम थोड़ी ना होगी, वो आपकी लायबिलिटी हो गई। सर ने हमको 10,000 रुपीज़ दिया है, अब फ्रिज लेकर आए, आपके पापा मम्मी ने आपको 1,00,000 रुपया दिया, जाओ बिजनेस करो, 10,00,000 रुपया दिया, बिजनेस करो, तो आपको थोड़ी ना दिया है, बिजनेस को दिया है, आपको नहीं दिया है, तो आपको, आप उसमें से चोरी कर लें बात अलग है, लेकिन आपको नहीं दिया गया है, वो बिजनेस को दिया गया है। तो ये जो एक क्लब को इन्वेस्ट स्पोर्ट फंड दिया गया है 5,00,000 रुपये का, उसकी इनकम थोड़ी है, एसेट्स थोड़ी है, उनको सामान खरीदने के लिए, लाने के लिए, सब सामान स्पोर्ट मटेरियल लाने के लिए दिया गया है, तो लायबिलिटी है। किसी काम के लिए आपको कोई पैसा दिया जाए या किसी बिजनेस को पैसा दिया जाए तो क्या होती है, वो लायबिलिटी होती है। क्या लिखेंगे, स्पोर्ट फंड कितने रुपए का, 5,00,000 रुपए का, यहीं अंदर लिखो आप। अभी इससे रिलेटेड और कुछ जो बोला है, कह रहा है 10% स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, 10% स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, जो 10% जो इनको पैसा स्पोर्ट फंड में है, कितना स्पोर्ट फंड में कितना रुपया है, 5,00,000। ये पैसा इन्होंने क्या किया है, स्पोर्ट फंड का पैसा जमा कर दिया। इन्वेस्ट मतलब कहीं पर लगाना होता है, कहीं पर ऐसी जगह पैसा को डिपॉजिट करो जहां से कुछ इनकम भी होती रहे। पैसा चला गया, पैसा ना, जब पैसा चला गया हमारे पास, जहां पर पैसा जमा करेंगे, मान लीजिए बैंक में जमा करेंगे थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए बैंक में जमा करेंगे, स्पोर्ट क्लब है हमारा, स्पोर्ट क्लब का पैसा आया है, फंड इकट्ठा हुआ है, इसको रखे थोड़ी रहेंगे घर में, पैसा रखे थोड़ी बढ़ेगा, उसको क्या किया जाएगा, कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, तो पैसा चला जाएगा। तो हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास एक कागज आएगा, बैंक में पैसा जमा करोगे तो बैंक आपको प्रूफ के लिए क्या देगा, एक कागज़ देगा, एक पेपर देगा, उस पेपर में लिखा होगा कि इस क्लब का पैसा है, इतना पैसा जमा किया है। जैसे हम लोग पैसा जमा करते हैं, FD करते हैं ना, तो देखो ये 5,00,000 रुपया जमा किया गया है, हम जाने आने का नियम नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अमाउंट चला जाएगा बैंक के पास, बैंक हमें एक कागज़ का टुकड़ा देगी, उसे बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। किसका इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ है, ये हमारी एसेट्स हो गई, पैसा चला गया है, हमारे पास जो कागज़ होगा वही हमारी एसेट्स होगी, एसेट्स होगी, तो एसेट्स कितने रुपए की मिलेगी, 5,00,000 रुपए की। आपको क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 31 मार्च को बनाने के लिए बोल रहा है ना, देखो ये सब कब का है, 1 अप्रैल का है, 1 अप्रैल का है, 2018 क्वेश्चन में बोला है, आपके बुक में जो क्वेश्चन 2 ईयर दिया हो वही ईयर कर देना है बस। भाई 1 तारीख का था ना, ये भी 1 तारीख को इन्वेस्ट किया गया, ये जो हम लोग बना रहे हैं कई तारीख को बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं 31 को, बैलेंस शीट कब बना रहे हैं, 31 को हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं। जब हम लोग बैलेंस शीट 31 को बना रहे हैं तो एक साल बीतेगा, कहीं पर पैसा जमा किए रहे होंगे, 1 साल बीतेगा तो आपको क्या मिलेगा, क्या परसेंट बोला है, 10%, क्या परसेंट, 10%, 10%, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, ऐड, मार्कर नहीं चल रहा है, ऐड करना पड़ेगा इसमें, जब आप इसे ऐड करेंगे तो यहां पर रहेगा का, इसमें करो ऐड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई ये पैसा मिला था, इसको मैंने जमा कर दिया, जमा कर दिया तो हमारी एसेट्स हो गई, पैसा मिला था तो हमारी लायबिलिटी थी, जमा ना, एक कागज है ठीक है इन्वेस्टमेंट का।
अब 10% बोला है प्रश्न में ना, क्वेश्चन में देखो 10% बोला है भाई, 5 लाख का 10% कितना होगा? 50,000। क्वेश्चन में आप देखिए कह रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट फंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट फंड 37,500। देखो 5 लाख है ना, 5 लाख का 10% कितना होगा? 50,000 रुपया होगा। 50,000 में 37,500 रुपया हमें इन इंटरेस्ट मिला है, लेकिन 50,000 50,000 इंटरेस्ट हो रहा है तो कितना कम मिल रहा है अभी? 12,500। भाई 50,000 पूरा होगा, 37,500 मिला, 12,500 नहीं मिला। तो इसके लिए बोला जाता है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग या इंटरेस्ट अकर्ड, समझ रहे हैं? अभी बकाया है मिलेगा, ठीक है, प्लस किया जाएगा इसे में इंटरेस्ट एकर्ड कितना? 12,500। क्वेश्चन में बोला है तब कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है 37,500 पूरे साल का कितना होता है? 50,000। 37,500 मिला है, 50,000 उसके बाद 12,500 नहीं मिला है, तो यहाँ पर इस पर इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5,50,000। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है आगे, डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड कह रहे हैं, डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड जो हमने ऐड कर दिया है इसमें आपको अंदर अभी लिखना है 5,50,000। इसी में और ऐड करो, डोनेशन मिल रहा है किसका? स्पोर्ट फंड का अमाउंट बढ़ रहा है ना, कितना मिल रहा है क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 1,20,000। 1,20,000 यहाँ पर हो जाएगा 6,70,000 ना। उसके बाद कह रहा है स्पोर्ट प्राइजेज अवार्ड है, ठीक है, कितने रुपए का? 1,00,000 रुपए का हमारे स्पोर्ट फंड में इतना हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो स्पोर्ट क्लब होते हैं अवार्ड देते हैं, जो उसमें खेलने वाले होते हैं बांटने वाले, उनको बांटा जाता है, अवार्ड दिया जाता है, तो अवार्ड के लिए अब कहाँ से दिया जाएगा? यहीं से दिया जाएगा, इसीलिए क्या कर दिया जाएगा? लेस कर दिया जाएगा। क्या बोला है? अवार्डेड, कितने रुपए का अवार्ड दिया है? 1,00,000 रुपए का माइनस कर दिया जाएगा, कितना बचेगा? 5,70,000। उसके बाद कह रहा है एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट इवेंट, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट इवेंट, अभी और माइनस करना पड़ेगा जो मैंने इसको यहाँ लिख दिया भाई, यहाँ पर हो जाएगा 5,70,000, यहाँ पर किया जाएगा स्पोर्ट इवेंट कितना? 15,000। भाई खर्चा कर रहे हैं ना, तो खर्चा कर रहे हैं तो माइनस कर दो 5,55,000। अब आपको एक चीज़ और देखना है, जो हम लोगों ने एकर्ड यहाँ लिखा है कितना? 12,500 मिलना चाहिए ना, यही हमारी एसेट्स होगी, ये हमारी एसेट्स होगी, क्योंकि अभी मिला नहीं, मिलेगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा इंटरेस्ट एकर्ड, लिखा जाएगा इंटरेस्ट एकर्ड कितने रुपए का? 12,500। अब आपको एक बार फिर से ध्यान देना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें पूरी की पूरी बैलेंस शीट भी नहीं बन रही है, कि पूरा बैलेंस शीट बनता है तो पूरा एसेट्स और लायबिलिटी इक्वल आता है, ठीक है। देखो हमारे पास 1 अप्रैल को स्पोर्ट फंड 5,00,000 रुपये का था, इसको क्या कर दिया गया? इन्वेस्ट कर दिया गया। इन्वेस्ट कर दिया जाएगा तो पैसा चला जाएगा, चला जाएगा तो जहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा वहाँ से एक पेपर मिलेगा, वो हमारी एसेट्स होगी। 10% बोला है, 10% बोला है जो इन्वेस्ट किया गया है, 10% का मतलब 10% इंटरेस्ट मिलता है,
5 लाख का 10% 50,000, क्वेश्चन में बोला 37,500, 37,500 रुपीज़ हमें मिला हुआ है अभी। इसका मतलब भाई 50,000 में 37,500 मिला, 12,500 नहीं मिला है। इसे बोलेंगे इंटरेस्ट एकर्ड, ऐड कर लिया जाएगा 5,50,000, प्लस किया जाएगा डोनेशन, प्लस किया जाएगा डोनेशन, डोनेशन मिल रहा है तो फंड बढ़ेगा। अवार्ड दिया जा रहा है, अवार्ड कहाँ से दिया जाएगा, जो फंड रहेगा उसी में दिया जाएगा। स्पोर्ट इवेंट कराएंगे तो खर्चा होगा, एक्सपेंसेस होगा, सीधी सी बात। ए मैंने क्यों लिख दिया इसको भी जान लीजिए। ए मैंने इसलिए लिख दिया कि मान लीजिए जो अमाउंट आपको नहीं मिला है, अभी तो मिला नहीं है, मिलेगा, अभी आपको नहीं मिला है, मिलेगा, आपकी एसेट्स होगी, ठीक है। इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट नंबर टॉपिक, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं।